तो यहाँ पे आपको दो मोड्स देखने को मिलते हैं, पावर और इको। और कोई भी स्कूटी में आपको इतनी स्पेस देखने को नहीं मिलने वाली जितनी आपको जुपिटर में देखने को मिलती है। ये इंडिकेटर्स हैं और जरा ब्रेक प्रेस करो। हाँ, तो ब्रेक प्रेस करने के बाद लुक कुछ इस तरह से आने वाला है इसका। कि स्कूटी की बॉडी की बात करें तो यहाँ पे आपको फुली कार्बन फाइबर की बॉडी देखने को मिलती है जो कि मैट फिनिशिंग के साथ है। फ्रंट में भी आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो इसका मडगार्ड है ये आपको मेटल बॉडी पे देखने को मिलता है, बाकी ऊपर की जो बॉडी है वो पूरी कार्बन फाइबर पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन ब्लॉग्स। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ TVS की जुपिटर 110cc जो कि अभी हाल ही में न्यू अपडेट के साथ लॉन्च हुई है 2024 में। और मेरे पास जो इसका कलर अवेलेबल है वो है इसका मैट ग्रे कलर। और हालांकि अभी इसमें अब जो बहुत बड़ा अपडेट जो देखने को मिला है वो देखने को मिला है इसके फ्रंट प्रोफाइल में एंड इसकी बैक प्रोफाइल में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आगे आपको पूरी एक LED शेप, मतलब पूरा एक प्रॉपर सामने आपको इसमें LED का हेडलाइट दे दिया गया है। इंडिकेटर्स भी इसी में बिल्ड है यहाँ पे साइड में। बाकी अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये किया मैंने ऑन और इंडिकेटर भी ऑन कर देता हूँ। तो ये मैंने इंडिकेटर ऑन कर दिया, आप देख सकते हो इंडिकेटर कुछ इसका इस तरह से चलता है। बाकी सामने से लुक जो आएगा गाड़ी का वो कुछ इस तरह से आएगा। बाकी मेन हेडलाइट सेक्शन आपको ऊपर देखने को मिलता है। ये जो मॉडल है मेरे पास, ये है मेरे पास इसका बेस मॉडल और इसकी एक शोरूम प्राइस। हालांकि सारी चीज़ें हम लोग लास्ट में जानने वाले हैं। मीटर इसका कुछ इस तरह से होने वाला है, जिसमें आप वापस से ऑन करते हैं कि आपको कुछ इस तरह से देखने वाली, जिसमें आपको TVS का लोगो और इधर हॉर्स का लोगो देखने को मिल जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। लगाते हैं की को, ऑन करते हैं मीटर और मीटर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलता है। और ये आपका पूरा एनालॉग मीटर है और फुली डिजिटल आपका टॉप मॉडल पे आएगा। अगर आपको टॉप मॉडल का रिव्यू देखना तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका उसका भी रिव्यू लेकर आ जाऊँगा। बाकी जानते हैं इसके मीटर के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो मोड्स देखने को मिलते हैं, पावर और इको। 40 के अंदर अगर आप चलाते हो तो ये इको मोड पे रहेगी, जैसे आप 40 प्लस लेकर जाओगे गाड़ी को तो ये पावर मोड पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये रहा इसका पूरा स्पीड का, ये आपका इसमें बीच में आपका एनालॉग वाला स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपको किलोमीटर शो करेगा, ऊपर आपके सारे सेंसर्स की लाइट है, ये आपका इंडिकेटर है, ये हाई बीम है, ये आपका साइड स्टैंड इंडिकेटर लगा हुआ है। बाकी ये आपका इंजन की लाइट है, ये आपके फ्यूल का है, इधर आपको राइट साइड वाला इंडिकेटर और बाकी यहाँ पे आपका फ्यूल गेज आपको दिखा रहा है कि गाड़ी में कितना फ्यूल है। बाकी बटन्स की बात कर लेते तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर्स है, ये आपका हॉर्न है। इसका हॉर्न भी एक बार सुन लेते हैं, इसका हॉर्न कैसा है। तो कुछ ऐसा इसका हॉर्न होने वाला है। बाकी राइट साइड में यहाँ पे आपको इसमें ये आपका हाई बीम बटन देखने को मिलता है, नीचे आपको सेल बटन देखने को मिल जाता है। लीवर्स की बात करें तो लीवर्स आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के काफ़ी प्रीमियम लुक में देखने को मिल जाते हैं भाई। बाकी सामने में यहाँ पे आपको एक हॉर्स वाला लोगो देखने को मिलता है, नीचे यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी नीचे आते हैं सॉकर के पास, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन के साइड बाय साइड आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ये अलॉय व्हील्स के साथ ही आपको स्कूटी देखने को मिल जाती है भाई। अलॉयस का लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और यहाँ पे आपको कोई भी डिस्क वगैरह देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। अगर आपको डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट लेना है तो आपको उसके टॉप मॉडल पर जाना पड़ेगा। बाकी अगर टायर्स की बात कर लेते तो यहाँ पे आपको TVS के ही टायर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और ये आपको ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर हम लोग फ्रंट टायर के सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में आपको 90x90 12 इंचेस के टायर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं भाई। बाकी अब चलते हैं इसकी सीट के पास, तो सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे है। बाकी मैं एक बार इसकी सीट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहीं से शायद से इसकी सीट ओपन होगी, ओपन हो गई है। तो ये आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेस है भाई, और कोई भी स्कूटी में आपको इतनी स्पेस देखने को नहीं मिलने वाली जितनी आपको जुपिटर में देखने को मिलती है। देख सकते हो यहाँ पे पूरे पूरे आपको स्पेस दे दी गई है। क्यों? अब आप कहोगे इसका टैंक कहाँ है, जब आप यहाँ पे सारी चीज़ें रख लोगे तो इसका टैंक कहाँ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका टैंक कहाँ पे। इसका टैंक है यहाँ पे आगे, यहाँ पे आप इसको ऐसे पुश करोगे अंदर की तरफ तो यहीं से आपका फ्यूल आएगा। और अब ये वैसे भी E20 को सपोर्ट करती है। E20 दरअसल एक नया फ्यूल आया हुआ है मार्केट में, इथेनॉल फ्यूल उसे कहते हैं। और बैक साइड में आते हैं तो बैक से कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा, देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको बैग में TVS का लोगो देखने को मिलता है। बाकी टेल लाइट सेक्शन आपका पूरा ये रहा, जैसे कि अभी आपने देखा होगा जैसे नई वाली वरना आई है, वरना में भी पूरा एक पूरी एक पूरी सीधी सीधी टेल लाइट उसमें दे दी गई है, वैसे सेम इसमें दे दिया गया। बाकी आप देख सकते हो लुक कैसा आ रहा है भाई। ज़रा ब्रेक प्रेस करना, तो ये इंडिकेटर्स हैं और ज़रा ब्रेक प्रेस करो। हाँ, तो ब्रेक प्रेस करने के बाद लुक कुछ इस तरह से आने वाला है इसका, ठीक है। बाकी नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको इसका साइलेंसर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफ़ी मतलब छोटा सा है, बल्कि टाइप में है। इसके एग्जॉस्ट में आपको स्टील का प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बैक टायर सेक्शन की बात करें तो बैग में भी आपको वही TVS के ट्यूबलेस टायर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसका 90x90 12 इंचेस के अलॉय के साथ आपको ये स्कूटी देखने को मिल जाती है भाई मार्केट में।
तो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग इस स्कूटी के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक FI इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि ऑयल कूलिंग के साथ आता है। अब बात करते हैं इसके इंजन के पावर के बारे में। तो ये स्कूटी मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 8.2 PS की, एंड अगर हम लोग इसके मैक्स टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 9.8 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि इस स्कूटी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। ठीक है, बाकी वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो इस स्कूटी में 2 वेरिएंट्स आते हैं। मेरे पास है इसका बेस वेरिएंट TVS जुपिटर का, जो कि 110 सीसी का है। बाकी एक इसके ऊपर का वेरिएंट आता है, जो कि आता है 113 सीसी का। 3 सीसी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी उसमें आपको क्या क्या अपडेट्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगी, वो आपको मैं इसके आने वाली वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। और वो वाली वीडियो को जिसको भी देखना है तो भाई चैनल को कर ले जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले ऑल पर सेट, ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है देखने में, अब बात कर लेते हैं इस स्कूटी की एक शोरूम प्राइसिंग के बारे में। तो इस स्कूटी की एक शोरूम प्राइसिंग हमारे यहाँ कानपुर में निकल के आती है 75,800 रुपीज़ की। बाकी ऑन रोड प्राइसिंग जो होगी वो आप मेरे को कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि भाई देखो ऑन रोड प्राइसिंग जो होती है ना भाई, वो हर शोरूम की हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो अभी मैं इसकी ऑन रोड प्राइसिंग नहीं बता सकता, ऑन रोड प्राइसिंग जानने के लिए आपको कमेंट करना होगा। जो मेरे कानपुर के भाई लोग होंगे वो कमेंट कर लेना, मैं उनको बता दूंगा। बाकी ओवरऑल स्कूटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इसमें फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं भाई। बाकी यहाँ सामने में आपको पैर की मतलब काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिलती है। हालांकि सिलेंडर वगैरह भी आपका इसमें आराम से आ जाएगा, इजीली आपका आ जाएगा। बाकी स्कूटी की बॉडी की बात करें तो यहाँ पे आपको फुली कार्बन फाइबर की बॉडी देखने को मिलती है, जो कि मैट फिनिशिंग के साथ है। फ्रंट में भी आपको यहाँ पे यहाँ पे जो इसका मडगार्ड है ये आपको मेटल बॉडी पे देखने को मिलता है। बाकी ऊपर की जो बॉडी है वो पूरी कार्बन फाइबर पे है, बट नीचे यहाँ पे आपको मेटल बॉडी यूज़ की गई है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ओवरऑल ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, मेरे को वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना भाई। कुछ भी चीज़ रह गई हो, कुछ भी मेरे से अगर मिस हो गया हो, आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। तो भाई चलो अब सुन लेते हैं इस स्कूटी की हम लोग एग्जॉस्ट नोट, देखते हैं इसका साउंड कैसा होने वाला है। भाई जरा स्टार्ट करना, तो भाई ध्यान से सुनना। तो साउंड तो वैसे काफ़ी बेसी है, मतलब उतनी ज़्यादा लाउडनेस नहीं है इसकी स्कूटी में। बाकी चलो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कर लेते हैं एंड, मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में।